आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। आज मैं मोतिहारी के अंदर में हूं और मोतिहारी का ब्लॉक है हरसिद्धि, वार्ड संख्या 8, और इस पंचायत का नाम है हरसिद्धि पकड़िया। यहां पे यहां के जो हैं एक निवासी जो है वो किसी दूसरे वार्ड के हैं, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा सरफराज, जो हमें फेसबुक के माध्यम से मैसेंजर पर एक मैसेज देते हैं कि हमारे भूतपूर्व जो मुखिया हैं, जो रह चुके हैं, वो इस बार फिर से खड़े हो रहे हैं और लोगों का अपने शासन काल में जो है बहुत ही मदद किए थे, तो आप उनका एक न्यूज़ जो है टेलीकास्ट कीजिए। तो आज मैं उनके पास आया हूँ और उनके बारे में और भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई मुझे, तो मैं फिर से इस पंचायत में आया हूँ और उनसे बात करेंगे। ये हमारे सामने हैं जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है जलालुद्दीन अंसारी। इस बार महिला सीट होने के कारण जो है यहाँ से इनकी पत्नी फाइट कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया सर। आपके बारे में जो तारीफ मुझे मैसेंजर के माध्यम से जो किया गया, जो मैंने अभी कहा कि आपकी तारीफ किया गया कि आप जिस वक्त मुखिया थे इस पंचायत में, तो आप बहुत ऐसे कि शायद ही केस जो होंगे जो आपके शासन काल में, आपके मुखिया शासन काल में जो है पंचायत से बाहर गया होगा, यानी थाने में गया होगा, आप ज़्यादातर पंचायत में ही उस मैटर को ख़त्म कर दिया करते थे, ये कहाँ तक सच है? देखिए, तारीफ के लायक तो यहाँ की जनता है, जनता मालिक हैं, जिन्होंने मुझे 10 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। 10 साल के लिए मैं यहाँ का मुखिया था। 2006 से 2016 तक मैं यहाँ का लगातार 10 साल मुखिया रहा। मेरे समय के पहले इंदिरा आवास में रिश्वत ली जाती थी, वृद्धावस्था पेंशन लोगों को नहीं मिलता था, राशन नहीं मिलता था, लेकिन मैं चुनाव जब जीता उसी दिन कसम खा लिया कि मैं एक रुपये भी इंदिरा आवास में नहीं लूँगा और न ही किसी पदाधिकारी को लेने दूँगा। और पूरे ईमानदारी के साथ मैंने 10 साल ऐसा ही काम किया। आप मेरे पंचायत के किसी भी कोने में जा कर पता कर सकते हैं, एक चवनी भी कोई माई का लाल मेरे समय में नहीं लेता था और न ही मैं लेने देता था। लगभग 2000 मैंने अपने समय में BPL सूची बनाया, जिससे लोगों को राशन मिलती थी, इंदिरावास मिलता था। जितने मेरे यहाँ वृद्ध थे, विधवा थे, सभी को निःशुल्क मदद किया गया और सभी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन इत्यादि का लाभ दिलाया गया। तो मेरी सेवा आज से नहीं, मैं 20 सालों से राजनीति में लगा हुआ हूं और लोगों की सेवा करता हूं। तो इस बार आप महिला सीट होने के कारण आप फिर अपनी पत्नी को फाइट करा रहे हैं मुखिया चुनाव में, उम्मीदवार हैं आपकी पत्नी, तो इस बार मुद्दा क्या है आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, मेरा मुद्दा समाज में लोगों की सेवा करना, जिस तरह से मैं लोगों की ईमानदारी से सेवा किया हूं। मेरी पत्नी भी मुझे 10 सालों के बीच में नसीहत पा चुकी है, सीख पा चुकी है, लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, उसकी मेरे तरह ही उसकी भी भावना बन चुकी है। लोग मेरे यहाँ आते हैं, कभी भी मेरे यहाँ कोई शायल वापस नहीं जाता है, जो जिस काम का मोहताज होता है उसकी मदद की जाती है। और मेरी पत्नी अब इस मामले में पूरा परिपक्व हो चुकी है, मैच्योरेट हो चुकी है, पंचायत के हर एक व्यक्ति को पहचानती है, लोगों की इज्जत करती है, और हमसे छूटा फूटा जितना काम होगा, लोगों को इंदिरा आवास देना, BPL में नाम जुड़वा देना, या राशन कार्ड बनवा देना, या वृद्धा या विधवा पेंशन दिलवा देना, या 35 या 45 हज़ार रुपये इंदिरा आवास में जिन लोगों को मिल चुका है उनको दोबारा रिपेयरिंग का फंड दिलवा देना, इत्यादि जितना काम है इस सब के बारे में अब जान चुकी है, अब उसे समझाना नहीं पड़ेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है और आपको भी विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मेरी पत्नी सभी कामों में खरा उतरेगी और बाकी जो समाज का और सरकार का जो दिशा निर्देश होगा इस पर तो हम लोग काम करेंगे। एक बात और आपको बता दूँ कि जनप्रतिनिधि जनता और पदाधिकारियों के बीच के कड़ी होते हैं, जितनी बीच की समस्याएं होती हैं यही समाधान कराना जनप्रतिनिधि का मुख्य काम होता है। समाज में किस तरह का विवाद नहीं होने देना,
आपस में लड़ रहे लोगों के मुकदमा को सुलझा देना, पंचायती इत्यादि कर देना, और हकीकत में जो हकदार है, जो गरीब है, जो मोहताज है, जिसको सरकार का लाभ मिल जाना चाहिए, समय पर मिल जाना चाहिए, उसको दिलवा देना, यही जनप्रतिनिधि का काम होता है। ये क्षेत्र जो है किसान से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में किसान लोग भरे हुए हैं, अभी जो मौजूदा हालात जो देश का है उसमें किसान की परेशानी जो है बहुत ही ज़्यादा है। हर लिहाज से देखा जाए तो किसान अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे किसान मारे भी गए, आपने सुना होगा, टीवी के माध्यम से देखा भी होगा। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जीत कर आते हैं तो अपने पंचायत के किसान का किस प्रकार मदद करेंगे, जबकि यूरिया सही से नहीं मिल रहा है, उस अगर मिल भी रहा है तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, तो इस तरीके के मामला को किस तरीके से आप सुलझाएंगे? देखिए, सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। मेरा सोच यही है कि किसानों को हर हाल में सरकार की मदद करनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में पानी की सुविधा के चलते वहाँ की फसलें बहुत अधिक होती हैं, मैं भी यही कोशिश करूँगा कि हर खेत तक पंपिंग सेट या पानी की व्यवस्था कराई जाए उचित मात्रा में, ताकि फसल मेरा एक अधिक से अधिक उपज हो दे सके। मेरा अगला क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देश के हर कोने कोने, मैं आपको बता दूं कि मैं ये क्वेश्चन लगभग हर प्रतिनिधि से पूछता हूं, क्योंकि हर प्रतिनिधि के क्षेत्र में वो कांड होना ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता आने वाले वक्त में, या फिर इतना तो कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में उस तरीके के लोग होते हैं। तो मेरा सवाल है कि हर क्षेत्र में देखा गया, वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ हर तरफ जो है मनचले लोग होते हैं, जो स्कूल और कॉलेज को लड़कियाँ जाती हैं या फिर महिलाएं मार्केट को, बाजार को जाती हैं खरीदारी करने के लिए, तो अमूमन देखा गया है कि उसके साथ छेड़खानी ऐसी वारदात आती है और ये बहुत ज़्यादा आगे तक जाता है। लड़कियाँ जो हैं घर में अगर पेरेंट्स को बता देती है तो बहुत अच्छा होता है, अगर नहीं बताती हैं उनके साथ लगातार ऐसा वाक्या पेश आता है और अंत में जो है उसकी मौत की खबर आती है। तो आप अपने पंचायत के उपद्रवियों को, इन तरीके के मंचलों को कैसे रोकेंगे अगर आप जीत कर आते हैं तो? देखिए, मेरा पंचायत थाना से जुड़ा हुआ पंचायत है, थाना मेरे ही पंचायत में है, तो मैं तो हमेशा मुस्तैद रहता हूँ अपने घर से हरसिद्धि जाने में, आधा पंचायत मेरा गुजर जाता है। मैं जिस समय मुखिया रहा उस समय जो मेरे यहाँ गश्ती का काम थाना करता है, इस पर पूरा मेरी मुस्तैदी रहती थी और थाने पर मैं चढ़ा रहता था कि आप मेरे यहाँ सुबह शाम हर वक्त गश्ती करते रहिए, लगाते रहिए। इसके अलावा मेरे अपने वॉलंटियर्स, मेरे कार्यकर्ता होते थे, जिससे मैं गांव के अगल बगल में और गांव के बीच रहने वाले लोगों के बीच ये पता करता था कि मंचले कौन हैं, बदमाश कौन हैं जो बच्चियों को परेशान करते हैं, और ऐसे लोगों की पहचान कर मैं उचित व्यवस्था करता था जिसके अंदर उसके अंदर सुधार हो जाए या उसकी ज़्यादा से ज़्यादा गलती करने वाले की सज़ा हो जाए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि बच्चियाँ, हर घर की बच्चियाँ पढ़ें, स्कूल जाएं, और उसमें किसी तरह के व्यवधान पैदा करने वाले को बख्शा नहीं जाए, यही मेरा सोच और समझदारी। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए आप किस प्रकार कदम उठाएंगे? देखिए, मैं जिस समय मुखिया था, बच्चे आज दरवाजे पर कूदते और खेलते दिखाई देते हैं, मेरे समय में ऐसा नहीं होता था। मैं स्कूलों में जाके इंक्वायरी करता था, बच्चों की हाजिरी लेता था, शिक्षकों की हाजिरी देखता था, और विद्यालय नहीं पहुंचने वाले बच्चों के गार्जियन से संपर्क कर उसको विद्यालय जाने की कोशिश करता था कि इसे विद्यालय भेजिए, और शिक्षकों के ऊपर भी दबाव बनाता था कि आप अपने क्षेत्र के सभी अभिभावक को कहिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और मैं आपके बीच और लोगों के बीच ये वादा करता हूँ कि जब मैं पंचायत का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दूँगा, उसी दिन से गांव के हर एक बच्चों को स्कूल भेजवाने का काम निश्चित करूँगा, यही मेरा वादा है। मेरा आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से देश के आवाम को, साथ ही अपने पंचायत के आवाम को क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, चुनाव का समय है, मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि जिस तरह से औरतें चावल से आंकड़ चुन लेती हैं, सरकार भी हम लोगों को समय देता है चुनाव का,
आप सही जनप्रतिनिधि का चुनाव कीजिए, काम करने वाले व्यक्ति का चुनाव कीजिए, ईमानदार व्यक्ति का चुनाव कीजिए। यही इस समय मेरा असली संदेश होगा। और इसी बीच एक और बात यह भी कहूँगा कि आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, तभी मेरा देश महान बनेगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे हरसिद्धि पकड़िया, ब्लॉक हरसिद्धि, वार्ड संख्या 8 के जलालुद्दीन अंसारी साहब, जो मैंने आपको बताया था कि किसी एक ने हमारे फेसबुक फ्रेंड ने मैसेज दिया था कि इस तरीके से हमारे पंचायत में है। और उनके शासनकाल में जब वो मुखिया थे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस था, लेकिन अब जो है उस तरीके का पंचायत में देखने को नहीं मिल रहा है। और हम लोग पंचायतवासी जो है उनको फिर से इस बार प्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन महिला सीट होने के कारण उनकी पत्नी को खड़ा किया गया है। तो अभी इनसे बात हो रही थी, और जहाँ तक मुझे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ इन्होंने भी बताया और पहले भी मुझे बताया गया था मैसेंजर के माध्यम से कि इस तरीके का जो है हमारे लोग जो हैं प्रतिनिधि जो है थे जो पहले वो अच्छे काम करते थे। और अभी इन्होंने सुना, इन्होंने भी बताया कि जब मैं अपना कार्यकाल संभालूंगा, मैं जीत के आता हूँ और अपना कार्यकाल संभालूंगा तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य होगा बच्चों को स्कूल से लगाव लगाना, स्कूल तक भेजना, और हर तरीके से जो भी उच्च कोटि के समाधान होंगे वो हर संभव समाधान को किया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की खबर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।